सिंगरौली के बैढ़न सामुदायिक भवन में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर किसान सम्मान निधि का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में मौजूद हजारों किसानों को संबोधित किया। इस दौरान एक क्लिक के माध्यम से 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। बैढ़न में पीएम मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि कानून को लेकर विपक्षी पार्टियां भ्रम फैला रही हैं। नया किसान कानून किसानों के हित में है, इससे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरीश द्विवेदी, कलेक्टर राजीव रंजन मीना सहित जिले के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिंगरौली विधायक राम लल्लू बैस ने कहा कि स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर पीएम किसान सम्मान निधि का कार्यक्रम हुआ, जिसमें किसानों के खाते में प्रधानमंत्री ने एक क्लिक के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया। कृषि कानून किसानों के लिए अच्छा है। कांग्रेस सहित आम आदमी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी राजनीति कर रही है। ये लोग सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। किसानों को उनके द्वारा फैलाए जा रहे झूठ से सतर्क रहना होगा। कार्यक्रम के दौरान लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों को चेक वितरित किया गया और किसानों को ऋण पुस्तिका दी गई है। आज सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के उप प्रधानमंत्री जी के जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ 9 करोड़ लोगों को 18,000 करोड़ रुपए के खातों में जमा किया गया। यह सौभाग्य है कि किसानों के लिए निरंतर यह छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए यह राशि अभी बताया जा रहा है, यह अति उत्तम है, क्योंकि हमको जरूरत पड़ने पर वह मिल जा रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।